तो पहले T20 मैच के दौरान हार्दिक पांड्या ने एक रिकॉर्ड तोड़ 146 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद की, जो कि उनके करियर की सबसे तेज गेंद थी। और आज तक उन्होंने 146 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद नहीं की है, ना IPL में ना इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो हार्दिक पांड्या की फिटनेस बताता है कि किस तरीके की वो फिटनेस है उनकी, किस तरीके की फॉर्म में है वो और किस तरीके का उनका रिदम है, जिसके चलते यहाँ पर उन्होंने इतनी तेज गेंद की। इसके अलावा काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो, बैटिंग में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की अपने करियर की, पहली उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी T20 क्रिकेट के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग भी करते हुए 4 विकेट लिए, जिसके चलते उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म में होना बहुत ही अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उनको चाहिए एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसी क्वालिटी का। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।